एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल शर्मा जी का ज्ञान में। आज मैं हम लोग करने जा रहे हैं बिग फाइव का क्विज, जो प्रोग्रामिंग फॉर एवरीबॉडी गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन का था। मैं आपको चलिए मैं करके दिखाऊंगा, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाएं। यहां पे आप देख सकते हैं चैप्टर 3 में 30 क्वेश्चन है जो हम लोगों को 10 मिनट में अटेंड करना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का क्विज। यहाँ पर मैंने कम्प्लीट कर चुका था तो मैं आपको री अटेम्प्ट करके दिखाऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू वी डू द पाइथन स्टेटमेंट डैट इमीडिएटली आफ्टर इफ स्टेटमेंट टू इंडिकेट द स्टेटमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ स्टेटमेंट ट्रू। अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो कौन सा स्टेटमेंट हम लोग का यूज़ करेंगे, तो इंडेंट द लाइन बिलो इफ द स्टेटमेंट, ये वाला हम लोग का हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, विच ऑफ दिस ऑपरेटर इज नॉट अ कंपेरिजन लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा नहीं है, तो इज इक्वल टू वाला नहीं है लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन मार्क है इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू ये आपका सिर्फ इज इक्वल टू वाला हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज, विच इज द ट्रू अबाउट द फॉलोइंग कोट स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 है, प्रिंट इफ x इज 5 इज स्टिल 5 और प्रिंट 3 इज 5। तो आपका देखिए यहाँ पे आपका ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, द x का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, द डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ x आइदर ऑल 3 ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट और नन ऑफ द स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, तो वेन यू हैव मल्टीपल लाइन्स इफ एंड इफ ब्लॉक, हाउ यू इंडिकेट द एंड ऑफ इफ ब्लॉक। तो इंडिकेट ऑफ इंड ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा, यू पुट द कॉलन करेक्टर, ये नहीं होगा, यू ओमिट द सेमी कॉलन, ये नहीं होगा, यू यूज टू कर्ली ब्रेसेस, आपका ये लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, यू डी इंडिडेंट इंडेंट द नेक्स्ट लाइन पास्ट इफ द ब्लॉक ऑफ द सेम लेवल ऑन इंडेंट एज द ओरिजिनल इफ स्टेटमेंट, ये वाला हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, इसमें भी वही क्वेश्चन आपका आ गया, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखा, इफ लुक परफेक्ट बट पाइथन इज गिविंग इंडेंटेशन एरर ऑन द सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन। इसमें आपका मोस्ट लाइकली रीजन के बारे में पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यू हैव मिक्स अ टैप स्पेस इन द फाइल। ठीक है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पाइथन रिवर्स्ड वर्ड दैट वी यूज इन टू वेज इफ टेस्ट टू इंडिकेट द ब्लॉक ऑफ द कोड दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड इफ लॉजिकल टेस्ट इज फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट अगर फॉल्स हो जाए तो उसमें कौन सा हो जाएगा, आपका एल्स वाला स्टेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फॉलोइंग कोड प्रिंट आउट, फॉलोइंग कोड प्रिंट आउट, इसमें आपका देखिए एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू प्रिंट स्मॉल, मतलब एक्स का वैल्यू 0 दिया था और एक्स का वैल्यू 2 से छोटा था ये। ठीक है, ये आपका एक्स इज लेस देन द प्रिंट मीडियम और ये, तो आपका कौन सा इसमें होगा, तो सिर्फ एक्स का वैल्यू तो सबसे छोटा है ये आप देख सकते हैं, तो इसमें आपका आंसर जगह स्मॉल, इसमें सिर्फ स्मॉल मीडियम लार्ज ऑल्डन स्मॉल और ये वाला आपका आंसर है, स्मॉल और ऑल्डन, स्मॉल पे ही प्रिंट हो गया वहाँ पर। ठीक है, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू प्रिंट बिलो 2 एंड एल्स एक्स इज ग्रेटर देन 2 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्रिंट 2 और मोर प्रिंट समथिंग एल्स। क्वेश्चन है आपका 8 का आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछा गया है आपको, तो दिस कोड इसमें एक्स की वैल्यू ही नहीं दिया था, कैसे बता सकते हैं ये क्या होगा आंसर। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एडेड विच विल बी द लास्ट लाइन टू एग्जीक्यूट सक्सेसफुल, लास्ट लाइन कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, आपका लास्ट लाइन स्टिक करेगा आपका 1 2 3 सेकेंड ISTR इंस्टेंट और ये आपका 1 प्रिंट करेगा। इसमें आपका हेलो बॉब ISTR 0 ट्राई ISTR, ISTR का वैल्यू -1 दिया है तो आपको -1 प्रिंट कर देगा। चलिए हम इसे चेक करते हैं कि हमारा सारा क्वेश्चन सही हुआ या गलत, कंटिन्यू, ये देख सकते हैं हमारा सारा क्विज सही हो गया है। इसके आगे का अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैं अगले वीडियो में आपको असाइनमेंट करके दिखाऊंगा। थैंक यू।